हमारे ये जो वेटरन ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन वन सबकाल है, इनको भी इन सब चीज़ों को सुनने का आदि पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग उंगली तो उठाएंगे और आप मतलब पोजिशन में होने चाहिए जवाब देने के, ये मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक है उन्हें काफी लंबा समय हो गया, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार जो अपना धरना है वो दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो पत्रकार हैं उनको पूर्व सैनिकों के द्वारा जो धमकी है वो मिल रही है, धमकी इस बात की कि अगर आप जंतर मंतर का कंटेंट चलाएंगे तो हम आपको बहिष्कार करेंगे। कौन है वो जो पूर्व सैनिक है जो इस तरीके की बातें हैं वो कर रहे हैं? जी सर, देखिए एक जो पत्रकार हैं उन्हें भी बहुत मुश्किल हो रहा है आपका यहाँ पर जंतर मंतर का जो कवरेज है वो देना, कैसे देखते हैं आप? देखो मिस्टर प्रतीक चौधरी, पहले तो आपके संवाद वाला का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लेके 20 फरवरी से अब तक हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो वन रैंक वन पेंशन टू की जो अनोमलीज हैं उनको लगातार कवर कर रहे हो, और देश के भूतपूर्व सैनिकों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी आप लोग इसको इस अवगत करा रहे हो, ये बड़ा आपका। पहले तो आप सभी पत्रकार, आप खासकर एंड जो मिस्टर दिनेश गर्ग और जो दूसरी पार्टियाँ हैं सभी बधाई के पात्र हैं मेरी तरफ से। अब जहाँ आपका सवाल आया कि कुछ भूतपूर्व सैनिक आपको धमकियां दे रहे हैं कि कवर ना करें, देखिए आप एक चौथा स्तंभ होते हो समाज का, अगर पत्रकार ही अब बातों को छुपाएगा और नहीं बताएगा या मतलब जो सच्चाई को सामने नहीं लाएगा, हालांकि हम पहले ही मैंने आपको एक दो बार कहा था कि हम पहले ही नेशनल मीडिया से बहुत छुप दें, जिन्होंने आज तक हमारी बातों को बहुत कम कवरेज दिया है, ना के बराबर कवरेज दिया है। आप लोग जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं और लोगों की जानकारी के लिए कर रहे हैं। अब रही बात उनकी, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, अब जिन लोगों को लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं या उनको उनकी प्रॉब्लमें बढ़ रही हैं या उनको ईर्ष्या है इस जंतर मंतर के आंदोलन से, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। वो जब इन्हीं लोगों को कोई चंदा चोर बता देता है, कोई बता देता है कि मतलब वो अड़ामेंट है, उनकी भाषाएं नहीं हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो यहाँ वाले लोगों को भी क्या क्या नहीं कहते हैं। आपको पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं एयर वेटरन प्रोफेसर डॉक्टर सुखबीर सिंह, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का, तीन कॉलेजेस का डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो क्या मेरी भाषा ख़राब होगी या मैं उसको गलत शब्दों का इस्तेमाल करूँगा या मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या असलियत है? आधे लोग तो ये डर रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो कुछ लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने अपने यूट्यूब चला रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन की यहाँ पर बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं है। अरे जानकारी नहीं है तो आप भूतपूर्व सैनिक आप बता दो, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखोगे? वो तो आपको भी धमकी देंगे, वो तो इंसरे अमीन को भी धमकी देंगे, वो तो मुझे भी देंगे, वो तो मुझे भी कह देंगे कि ये तो झूठा। तो उन ऐसे गद्दार भूतपूर्व सैनिकों का आप कृपया ध्यान ना दें और अपना काम, जो आपका समाज, जो आपका अधिकार, जो आपका पत्रकारिता कि जो आपने शपथ लिया आप उसको कंटिन्यू रखें। सर देखिए हमने शपथ लिया और हम लगातार दिखाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंतर मंतर का पक्ष, हम उन लोगों का पक्ष भी है वो भी दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही हम आप लोगों का कुछ भी डालते हैं उन लोगों को एक तरीके से मिर्ची लग जाती है। मिर्ची क्यों? मतलब जो भूतपूर्व सैनिक है वो आपस में भी एक दूसरे के लिए इस तरीके से क्यों है? ये भी आपने देखा है और दिखाया भी है और मैंने भी देखा है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। भाई मेरा कहना तो ये है कि जो सड़क पे चलेगा एक्सीडेंट उसी का होगा, जो घर में बैठा है उसका कुछ नहीं होने वाला। अभी मान लिया यहाँ पर जो आदमी भूतपूर्व सैनिक आ रहा है तो वो तो भाई इस संस्था को, इसको चलाने के लिए उसको तो चंदा भी मिलेगा और चंदा लेगा भी और उसका इस्तेमाल भी करेगा। हाँ ये हम जरूर कहेंगे कि भाई उसका निष्पक्ष, उसका एक स्वतंत्र एक बॉडी बनाइए कि जिससे के लोगों को पता चले कि भाई कितना पैसा आया क्या गया। ये मेरी इनसे भी सबका वालों से भी गुजारिश है कि आप दूसरे लोगों को ये सब कहने का मौका ही क्यों दे रहे हो? आप उसको ओपन करके रखो,
मैं खुद उसके पक्ष में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ। और दूसरा रही बात ये कि हर आदमी आज की तारीख में नेता बनना चाहता है। हाँ। आगे मतलब कि मैं मेरे पीछे दुनिया रहे। अरे भाई मैं लास्ट आदमी बनना चाहता हूँ अपने आप में। मैं एक कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, ना कि मैं एक लीडर, क्योंकि कार्यकर्ता काम करता है, लीडर तो बेवकूफ बनाता है, वो तो सब जानते हैं। तो उन लोगों को भूख है, या तो पैसे की गई है कि उनको नहीं मिला, या उनको ये उनको उच्च स्थान नहीं मिला, उनको जैसे कहते हैं कि हमारा ये फेडरेशन बना, उनको फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब वो तो फिर कुछ भी कहेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों पे कृपया ध्यान ना दें। आप भी जानते हैं नाम, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट कहने का फ़ायदा कुछ नहीं। तो क्या सर मैं मान लूँ कि ये जो यहाँ पर तमाम तरीके के जो आरोप हैं, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब आरोप लगे फेडरेशन पर या फिर साबका सैनिक संघर्ष समिति पर कि इन लोगों ने जो है चंदे का गबन किया है, सबसे पहला व्यक्ति जो उठाने वाला था इन सभी बातों को वो मैं था। उस समय भी जो है वो लोग काफी खुश हो रहे थे, लेकिन आज उन्हें एकदम से ऐसा क्या हो गया? देखो आपकी मैं बात कहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ 20 तारीख से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ, रोज तो नहीं आता, बट कोशिश करता हूँ 15 दिन एक महीने में आने के लिए, यहाँ कुछ करने के लिए। ये मैं भी जानता हूँ, मेरे सामने भी चंदे आए हैं, इकट्ठे भी हुए हैं, और बिना कहते ना आग के धुआं नहीं होता। तो चंदा आया है, बट उसको अगर उसी टाइम वो थोड़ा ओपन कर दिया जाता तो शायद लोगों को कहने का मौका नहीं मिलता। बट उसमें समस्या ये आ रही थी कि जैसे ही फेडरेशन बना, फेडरेशन के पास अभी मुझे नहीं पता कि भाई कितना चंदा है, बट आया तो है और लाखों में है, ऐसा भी नहीं है कि 2-4, 10-5 हज़ार रुपये, बट खर्चे भी तो हैं। दूसरा उसका प्रॉपर अभी तक शायद जैसे कई संस्थाओं ने उठाया कि उसका कोई अकाउंट नंबर नहीं है, वो किसके पास है, वो कितना है, ये तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा है। अभी जब तक फेडरेशन नहीं बनता उसका अकाउंट नहीं खुलता और उसमें पैसा आता नहीं, और जब तक वो बात पूरी, अच्छा उससे पहले जब तक अकाउंट ही नहीं है तो उसमें कहाँ डालें या जो भी वो रखा हुआ है। तो अब उन लोगों को जो आप कह रहे हो कि वो सबसे पहले आपने ये बात उठाई, बात यही तो मीडिया है जो लोगों को चीज़ों से जागरूक करे, जो लोगों को बताए कि भाई हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आपने गलत किया, ये क्वेश्चन मेरा भी रहा है, अपने ही लोगों से रहा है। और मतलब मैं अपने ही मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं एयर वेटरन सुखबीर सिंह, जो हमने मैंने आपको संस्था बताई थी हमारी एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल ऑल इंडिया बेस पर है, उनके उत्थान के लिए है, भूतपूर्व सैनिक विकास परिषद के नाम से हम ADC के हूँ, मैं उसका पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ। मुझे पता है कि चंदा आता है, हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, बट उसका हम साल भर उसका ऑडिट कराते हैं, उसका ब्यौरा देते हैं, और बल्कि हम लोग तो आज तक ऐसा है कि हम ही कुछ ही लोग हैं हम अपने पारे से पैसा लगाते थे हर चीज़ में, हम तो अपना अभी तक तो यही कहे हुए हैं। हम कोर्ट केस भी लड़ रहे हैं उसमें लाखों लाखों हम भी फीस देते हैं, ADC वाले MSP का केस सबसे पहला हमने चैलेंज किया हुआ है, हमारा केस है वो, हम पैसा देते हैं उसमें वकील को हर सिटिंग पे। अभी आप आइएगा 31 जुलाई को फिर उसकी हियरिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो चीज़ें तो देखिए पारदर्शिता तो सिस्टम में आनी चाहिए, मैं भी इस बात के पक्षधर हूँ, बट आप कहीं दूर बैठे हुए सीधा आरोप भी लगाते रहे वो भी गलत है। आप जाने तो सही चीज़ों को, पहचाने तो सही। मैं यहाँ रोज नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल आँख करके बंद करके बैठूं या मुझे पता नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें हैं आएंगी, ऐसा नहीं है। और मैंने बताया कि जब रोड पर चलोगे तो एक्सीडेंट होगा, नहीं चलोगे तो कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा इस तरीके के जो हमारे ये जो वेटरन ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है सबका है, इनको भी इन सब चीज़ों को सुनने का आदि पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग उंगली तो उठाएंगे और आप मतलब पोजीशन में होने चाहिए जवाब देने के, ये मैं कहना चाहूँगा। नहीं सर देखिए आपने कहा कि मतलब सबसे पहले तो खैर हमने उठाया था, लेकिन उस टाइम पर वही जो लोग हैं जो अभी धमकी दे रहे हैं, हाँ, जो पहले वो लोग काफी खुश हो रहे थे, हाँ, है ना। अब
जब अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 दिन से मैं लगातार जो है उन्हीं की जो कवरेज थी मैं उसे ही दिखा रहा था जब भी उनके साथ में ठीक था। एकदम से कल एक कपिल फौजी के साथ में लाइव होता है, उस लाइव के बाद में पता नहीं रात रात में क्या हुआ कि सुबह एकदम से फोन भर गया। तो जो मैं आप मैं जानता हूँ पत्रकार से पहले एक पढ़े लिखे इंजीनियर भी हैं, आप जानते हैं, आप हर तरह के पक्ष को जानते हैं। जब तक मैं आपकी चापलूसी और बड़ाई करता रहूँगा जब तक तो मैं अच्छा अच्छा रहूँगा, आप मेरे लिए अच्छे रहोगे या मैं आपके लिए अच्छा रहूँगा। जहाँ मैं आपकी कमियों को निकालना शुरू करूँगा या उजागर करना शुरू करूँगा या तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करूँगा तो लोगों पर जोर पड़ता ही है। तो आप उनकी मैं फिर एक बात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों की बातों का ध्यान ना दें, वो या तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जिनको केवल अपना बेनिफिट देखना चाहिए, अपने अपने बारे में उनको सोचना है, उनको कैसे उनकी राजनीति चले या कैसे उनके घर चले या कैसे उनकी दुकान चले। चलो मैं कह सकता हूँ वो पैसे कोई मॉनिटरी बेनिफिट भी नहीं चाहते, बट वो अध्यक्ष पद पर रह के ऊपर रह के मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मेरे मतलब सब मेरी बातें माने, मतलब वो एक चौधराहट दिखाने की बात है जो हमारे समाज में कहते हैं। वो सबको तो नहीं मिल सकती ना, वो तो एक आदमी को मिलेगी ना। और तो आप बनिए ना उस लायक, आप अपना लाइए ना अपने आप लायक, पहले काम करके दिखाइए ना। तो काम करोगे तो आपको लोग अपने आप चुन लेंगे, अगर आप जबरदस्ती मांगेंगे तो कोई नहीं देता। अच्छा सर, जो है 8 जुलाई को एक मीटिंग हुई दिल्ली में डेलीबेटर्स जिसकी अगुवाई कर रहा था, जहाँ पर के एक फेडरेशन बनाने की, अलग से जो फेडरेशन बनाने की बात है वो की गई, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए वहाँ वो भी सारे मैंने वार्तालाप आपके भी और दिनेश गर्ग वाले सारे सुने हैं वो। जहाँ तक उसके हिसाब से है कि भाई हम सबको मिलके चलना चाहिए, जो अगर वो इस काम को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि वो वहीं पर किसी ने कहा था कि अकेली, आपने कहा था कि एक सीख से तो घर नहीं साफ हो सकता, वो झाड़ू बन के साफ हो सकता।